Now let's see next example regarding integer and long data type. We are declaring three variables x, y, z. All are first one x is a integer type, y and z are long types. Here we are assigning values in different flavors. Here we are implementing, we are using 1L. L means long. Let's see one by one. इन फर्स्ट केस सबसे पहले इस केस में मेमोरी एलोकेशन के रिस्पेक्ट बात करें ऑल वेरिएबल एक साथ क्रिएट होंगे इन इस केस में वन बाई वन डिफरेंट एक्सप्रेशन सॉल्व करके चेक करेंगे इसे इंटरनली मेमोरी के फॉर्म में एडिशन ऑपरेशन किस टाइप से परफॉर्म होंगे इन फर्स्ट केस वेरिएबल एक्स एक्स इज एन इंटीजर वेरिएबल एक्स के केस में टोटल बाइट्स कितने एलोकेट कराएं देयर आर 2 bytes according to 16 bit C compiler size of integer is 2 bytes here we are assigning x equals to 32767 + 1 what is the first operand integer what is the second operand is also integer तो इस केस में जब addition perform कराए मेमोरी के अंदर addition और सारे operation भी किस form में perform on the also in the form of बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जैसे एडिशन ऑपरेशन को कंप्लीट करने के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड हुआ बाइनरी नंबर ऑफ 32767 बाइनरी नंबर ऑफ 1 और इधर बाइनरी नंबर ऑफ 32767 इन द फॉर्म ऑफ 16 बिट्स इंटीजर में रिप्रेजेंट करें इसलिए बाइनरी नंबर भी कितने बिट्स में राइट करें इन द फॉर्म ऑफ 16 बिट्स एज वी नो बाइनरी नंबर ऑफ 32767 इज 15 टाइम्स 1 इसलिए 16th नंबर का बिट क्या होगा 0 और रिमेनिंग बिट्स आर 1 This is the binary number of 32767. Like that. Next one, what is the binary number of 1 in the form of integers? Integers ke according binary number write kare in the form of 16 bits. Like that. Then What is the addition of these operations? मीन्स इस केस में एडिशन कितने बिट्स का करा रहा है 16 बिट्स का 16 बिट के साथ इसलिए रिजल्ट भी कितने बिट्स में आएगा ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ 16 बिट्स 1 प्लस 1 इज 0 कैरी इज 1 1 प्लस 1 इज 0 कैरी इज 1 1 प्लस 1 इज 0 कैरी इज 1 मीन्स ऑल टाइम्स 0 एवरी टाइम्स कैरी इज रेज्ड एज 1 ये सभी केस में एडिशन 0 आ रहा है प्लस कैरी क्या रेज हो रहा है एवरी टाइम 1 1 0 1 0 लास्ट वन आल्सो कैरी इज 1 0 प्लस 1 इज 1 मींस इस केस में जब ये ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे 32767 प्लस 1 मींस फर्स्ट दोनों ही केसेस में ऑपरेंड्स कैसे हैं सेम इन बोथ केसेस ओनली डिफरेंस क्या है फर्स्ट केस में असाइनमेंट इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स में करा सेकंड केस में असाइनमेंट लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में असाइन किया है थर्ड केस में डिफरेंट केस होगा कि इस केस में सेकंड ऑपरेंड कैसा है इंटीजर लॉन्ग टाइप्स इसको बाद में टेस्ट करेंगे फर्स्ट वन सपोज दैट ये रिजल्ट किसी टेंपरेरी प्लेस पर अवेलेबल है देन रिजल्ट्स जनरेट होने के जस्ट बाद रिजल्ट कॉपी किस में होगा इनसाइड लोकेशन एक्स देन इस रिजल्ट को एक्स में कॉपी करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 8 times 0 next one 1 7 times 0 what is the sine bit of x sine bit of x here 1 therefore number is considered as negative numbers what is the equivalent value of x case mein decimal value display with respect to x x ka equivalent decimal value kya aayega डेसिमल वैल्यू जस्ट साइन मीन्स टूज कॉम्प्लीमेंट के बाद कैलकुलेट होगा बिकॉज साइन बिट क्या है 1 के अकॉर्डिंग इसका जो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालें सेम नंबर रेज होगा इसलिए इसका इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू क्या आएगा 2 to the power 15 इक्विवेलेंट टू 32768 मीन्स एडिशन डायरेक्टली सो रहा है 32767 प्लस 1 इज 32768 लेकिन इस केस में साइन बिट क्या रेज हो रहा है 1 इसलिए नंबर कैसा है नेगेटिव नंबर दिस द वैल्यू ऑफ x सेम है सेम रिजल्ट असाइन किया इन द y मीन सेम रिजल्ट कॉपी किस में हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल y y इज अ लॉन्ग टाइप ऑफ वेरिएबल्स x का टाइप इंटीजर था इसलिए x के लिए 16 बिट्स एलोकेट की और 2 बाइट्स लेकिन y का टाइप क्या है लॉन्ग लॉन्ग के अकॉर्डिंग y के लिए टोटल बाइट्स कितने एलोकेट करेंगे
there are 4 bytes, or we can say 32 bits. Y के रेस्पेक्ट में टोटल बिट्स कितने एलोकेट होंगे, 32 बिट्स और 4 bytes. देन अगेन सेम रिजल्ट असाइन करें इन द फॉर्म ऑफ Y. जब सेम रिजल्ट Y में असाइन होगा राइट टू लेफ्ट, रिजल्ट के केस में बात करें रिजल्ट कितने बाइट्स में जनरेट हुआ, 2 bytes और 16 bits, लेकिन कॉपी कितने बिट्स में हो रहा है, 32 bits और वी कैन से 4 bytes. जब इस डेटा को कॉपी करें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट मोस्ट बाइट्स में असाइन कराएंगे 8 टाइम्स 0. नेक्स्ट वन, अगेन प्रीवियस केस में प्रीवियस बाइट में क्या असाइन कराएंगे, 100. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग बिट्स, मींस रिमेनिंग बिट्स में असाइन करने के लिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था, जब भी लेस इंफॉर्मेशन वो हायर में असाइन करो तो इस केस में रिमेनिंग प्लेसेस पर डिफॉल्ट इंसर्ट बिट्स क्या होंगे, सेम एज साइन बिट. व्हाट इज द साइन बिट हियर, साइन बिट इज 1, इसलिए रिमेनिंग सभी बिट्स में डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कराएंगे 16 टाइम्स 1 लाइक दैट. नेक्स्ट वन, इसके रिस्पेक्ट में अगर वाई का वैल्यू चेक करें, वाई के केस में जब वाई का वैल्यू डिस्प्ले कराएं अकॉर्डिंग टू परसेंट डी और परसेंट एल डी मीन्स लॉन्ग डबल, वाई का टाइप क्या लॉन्ग, डिस्प्ले कराने के लिए यूज क्या करेंगे एल डी. इस केस में साइन बिट क्या फाउंड हो रहा है वाई के रिस्पेक्ट में, ऑल्सो 1, मीन्स नंबर कैसा आ जाए नेगेटिव. जब इसका डेसिमल नंबर निकालेंगे तो सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होगा, 8 से 2's कॉम्प्लीमेंट, देन ओनली डेसिमल नंबर कैलकुलेट करना पॉसिबल है. तो 2's के रिस्पेक्ट में सबसे पहले रिक्वायर्ड होगा 8's 1's कॉम्प्लीमेंट. 1's कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, 0, 8 टाइम्स 0, अगेन 8 टाइम्स 0, देन 0, 7 रिमेनिंग टाइम्स और 15 टाइम्स 1 लाइक दैट. तो करंटली इस केस में सारे ऐड क्या कराएंगे, ऐड देम एज 1 और वी कैन से बाइनरी नंबर ऑफ 1. इस केस में एडिशन 32 बिट्स के साथ परफॉर्म हो रहा है, इसलिए 1 का बाइनरी नंबर भी कितने बिट्स में ऐड करेंगे, 32 बिट्स में. 1 प्लस 1 इज 0, कैरी इज 1, अगेन 1 प्लस 1 इज 0, एवरी टाइम्स कैरी इज 1, ऑल टाइम 0, 1 प्लस 1 इज 0, कैरी इज 1. नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, 0 प्लस 1 इज 1, कैरी इज 0, रिमेनिंग टाइम्स 0. इसका डेसिमल वैल्यू क्या आएगा, 2 दी पावर 15, इक्वलेंट टू 32768. साइन क्या साइन होगा, अकॉर्डिंग टू साइन बिट में से डेसिमल नंबर 2's कॉम्प्लीमेंट के बाद कैलकुलेट हुआ है, इसलिए साइन बिट क्या आएगा, साइन क्या आएगा इसका माइनस. इसलिए फाइनली वाई के रिस्पेक्ट में भी वाई लॉन्ग टाइप का वेरिएबल था, इसमें 32768 पॉजिटिव फॉर्म में असाइन करना पॉसिबल था बिकॉज विद इन अ रेंज. लेकिन इस केस में जब डेटा कॉपी किया तो रिमेनिंग सभी बिट्स में डिफॉल्ट बिट क्या इंसर्ट हुआ, सेम है साइन बिट, साइन बिट बनता है इसलिए इंसर्ट बिट भी क्या थे 1, इसलिए नंबर कैसा है नेगेटिव. वाई के रिस्पेक्ट में भी रिजल्ट क्या आएगा वाई का, ऑल्सो -32768, मीन्स फर्स्ट केस में एक्स का वैल्यू क्या डिस्प्ले हुआ, -32768, वाई के केस में भी क्या डिस्प्ले हुआ, ऑल्सो -32768. नेक्स्ट वन, व्हाट अबाउट जेड, नेक्स्ट ऑपरेशन जेड के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करें इन द फॉर्म ऑफ, व्हाट इज द साइज ऑफ वेरिएबल जेड, सिंस जेड इज अ लॉन्ग टाइप वेरिएबल, जेड का डेटा टाइप क्या है लॉन्ग, इसलिए जेड के लिए भी कितने बाइट्स एलोकेट कराएं, देयर आर 4 बाइट्स और वी कैन से 32 बिट्स, मीन्स जेड का साइज क्या है इस केस में 32 बिट्स. नेक्स्ट वन, अगेन इस केस में एडिशन कराएं तो एडिशन कराने के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑपरेंड क्या है 32767, सेकेंड ऑपरेंड क्या है 1L, मीन्स 1L मीन्स लॉन्ग. 32767 का टाइप क्या है इंटीजर, इसलिए इसका बाइनरी नंबर कितने बिट्स में राइट होगा, 16 बिट्स. 16 बिट्स के केसेस में अगर बात करें तो उसका बाइनरी वैल्यू क्या है, फर्स्ट बिट साइन बिट इज एट 0 बिकॉज नंबर इज पॉजिटिव, रिमेनिंग टाइम्स ऑल टाइम्स 1. दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ 32767 अकॉर्डिंग टू इंटीजर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि उसका डेटा टाइप क्या है इंटीजर, इसलिए बाइनरी नंबर भी कितने बिट्स में ऐड किया, 16 बिट्स में. लेकिन एल की बात करें तो एल का डेटा टाइप क्या है लॉन्ग, लॉन्ग के अकॉर्डिंग 1 का बाइनरी नंबर ऐड करें इन द फॉर्म ऑफ 32 बिट्स. रियल में देखा जाए तो 1 का बाइनरी नंबर क्या है 1, लेकिन 32 बिट्स के अकॉर्डिंग रिमेनिंग टाइम्स इंसर्ट करा लें, डिफॉल्ट वैल्यू है
all times 0 means 31 times 0, like that. Then 16 plus 16 more times cancelled karayenge also 0. Like that. Means 1 ke case mein baat karenge to 1 ka binary number kitne bits mein write hua 32 bits mein aur 32767 ka binary number kitne bits mein write hua 16 bits mein. 32 bits ko 16 bits mein add karna possible nahi, isliye 16 bits bhi convert kitne bits mein honge 32 bits में, इसलिए remaining times इसके में default bits insert कराएंगे all times 0. इन 16 bit का addition कितने bits होगा 16 bits से. Previous case में addition 16 bit का addition 16 bits से हो रहा था, इसलिए result भी कितने bits में आया 16 bit में. इस case में addition 32 bit का 32 bit के साथ हो रहा है, इसलिए result भी कितने bits में आएगा 32 bits में. Just because of second operand as long means किसी भी expression का result किस form में depend करेगा higher range of data type. इस case में integer और long में higher range किसका है, long का, इसलिए result किस form में आ रहा है, long के form में. Previous case में first operand भी integer था, second भी integer था, इसलिए result भी किस form में, in the form of integers. Check it. 1 + 1 = 0 carries 1. 1 + 1 = 0 carries 1. 1 + 1 = 0 carries 1. 0. Last case में carry क्या again? 1. 1 + 1 = 0 carries 1. 0 + 1 = 1. The remaining times क्या आएगा? All times 0. This is the result of second addition. Second addition का result कितने bits में generate हुआ है? 32 bits में. Consider this place as temporary place. इसे result से generate होने के just बाद result copy किसमें होगा? Inside location Z. Z के पास allocate भी कितने bits हुए? 32 bits. Result भी कितने bits में create हुआ? 32 bits में. इसलिए successfully assign करना possible है. सबसे पहले assign क्या करें इस case में? Rightmost bytes 8 times 0. Next case में assign करें 1 7 times 0. 1 7 times 0. Next 1 8 times 0. Next 1 again 8 times 0. चेक दिस. प्रीवियस केस में जब डेटा कॉपी किया तो डेटा केस में साइन बिट क्या आसान हुआ था 1, इसलिए नंबर दोनों ही केसेस में एक्स और वाई दोनों ही केसेस में साइन बिट 1 था, इसलिए रिजल्ट्स कैसे आए? नेगेटिव रिजल्ट्स. लेकिन जेड के केस में साइन बिट कैसा? इसका पॉजिटिव. पॉजिटिव तो इसका डेसिमल नंबर डायरेक्टली कैलकुलेट करना पॉसिबल. डेसिमल डायरेक्टली कैलकुलेट करें तो डेसिमल क्या है इसका? 2 to the power 15 व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 32768. 32768. 32768 के अकॉर्डिंग जेड का वैल्यू क्या प्रिंट हुआ थर्ड केस में? 32768. दिस इज द फाइनल आउटपुट ऑफ दिस प्रिंट एफ फंक्शंस, आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम.